मैं समूह जम्मू कश्मीरी संगत को बेनती करांगा कि अज असीं इत्थे दिन दे 4-5 बजे इत्थे आए सां। इह ओह मुंडा है जिसने श्री हरिमंदर साहब बारे गलत शब्दां दी वरती सी। इत्थे दी पुलिस ने पहलगाम दे जिहड़ा सच्चो है उहने सानूं बेअंत सहयोग दित्ता साडा, ते हुण जिहड़ा बंदा है पुलिस दी सदका सी इहनूं चक के इत्थे थाने च लिआ, ते परिवार सारा आया है। इह मैं वेख्या नदानी है, पर इहनूं समझ नहीं लगी है कि हरिमंदर साहब की चीज़ है। ये आप खुद बताएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। बोलो भाई क्या किया है आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ उमर कुरैशी, कश्मीरी टैलेंट हाउस। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मेरा छोटा भाई और मैं था, तो उसमें मैंने गोल्डन टेम्पल के बारे में कुछ बोला था, मगर मुझे नहीं पता थी कि गोल्डन टेम्पल वो पाक जगह है, जैसे कि हमारा काबा है उसी तरह गोल्डन टेम्पल भी है। अल्लाह की कसम मुझे ये सब पता नहीं थी ना, वरना मैं नहीं चाहता था कि किसी मज़हब को ठेस पहुँचे मेरे वजह से। मैं सब सिखों भाई से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वजह से कुछ ठेस पहुँचे तो मुझे माफ़ करना, मेहरबानी करके मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमें आपस में झगड़ा हो, क्योंकि हम हर जो अब भी कुछ होता है तो सिख भाई हमें सपोर्ट करते हैं, तो मैं नहीं चाहता आज के सिख भाई को मेरे वजह से नहीं होगा। हाँ, दोबारा ये मसला कभी नहीं होगा, ये ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। लगाओ इनके पांव को। नहीं नहीं नहीं, आज के बाद कोई ये इन्होंने लिख के भी दिया हमारे को कि कभी गलत नहीं होगा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ यहाँ की जो इसकी अदर कम्युनिटी साथ आई थी, मुस्लिम और हमारी जो पहलगाम की पुलिस है, SHO साहब हैं, क्योंकि ये जो बंदा है इसने खुद अपनी माफीनामा मांगा है कि मेरे से गलती हुई है कि मैंने क्योंकि मुझे नहीं पता थी। असि पूरी 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 कमेटी नु असि ये यकीन दिलाने हैं कि जड़ा बंदा असि कितों कढ़ के लिया है पुलिस दी मदद दे नाल, ते हुण इसने माफी मांग ली है, ते असि भी सारी संगत दो हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि इन्होंने माफ किया जाए। वाहेगुरु जी की फतेह। मैं मुझे पता नहीं थी मुल्ला का गोल्डन टेंपल के बारे में, सब शुक्रिया गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके मुझे माफ करे, मुझे नहीं पता चला इतना बड़ा मसला हो। बस बेटा बस।